यूपी के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के लिए वोट मांगे और मंच से अपनी सरकार के गुणगान किए, साथ ही अपने विपक्षियों पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, हर जुबान पर एक ही शब्द है, सिर्फ मोदी मोदी। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लाभार्थियों को पहुँचाने वाले नेता है मोदी। वही बिखरा हुआ विपक्ष के पास ना नियत ठीक है और ना नीति, और उन्हें जब भी सत्ता में रहने का अवसर मिला अपने परिवार के लिए अपने स्वयं देश और प्रदेश से लूट कर अपने परिवार के लोगों के लिए संपत्ति एकत्रित की है, वो लोग अभी आज इस चुनावी समर में हैं। ये रूप में श्री नरेंद्र मोदी का हर जवान एक आवाज कहता है, मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद, और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। दुनिया का सबसे तेजस्वी, दुनिया का सबसे ओजस्वी, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने वाला यशस्वी नेता, जिसके नेतृत्व में कोई संदेह नहीं कर सकता, जिनकी गरीब समर्थक नीतियों और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नीतियों पर और जिनकी अपनी ईमानदारी की नियत पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, ऐसा यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास, आप सबके पास है। दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, न नेतृत्व है, न नियत है, न कोई नीति है, और जब भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के भाई भतीजों के लिए उन्होंने संपत्ति और देश और प्रदेश के संसाधनों में जो लूट का एक सिलसिला प्रारंभ किया, वे लोग भी आज इस चुनावी समर में आपके पास हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के दौरान मोदी जी ने देश को जाति, मत, मजहब या संप्रदाय के आधार पर नहीं देखा। उन्होंने पहले ही दिन इस बात को कहा कि मेरी सरकार आएगी तो देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं फलाने परिवार के लिए कार्य करूंगा, मैं फलानी जाति के लिए काम करूंगा, फलाने मजहब के लिए काम करूंगा। गरीब गरीब है, किसान किसान है, नौजवान नौजवान है। भारत माता की इन संतानों की आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, नारी गरिमा के लिए कार्य करेंगे। मोदी जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को 5 वर्षों तक उन्होंने साकार भी किया, और यही परिणाम है कि 5 वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान देश के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को आवास मिलते हैं, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध होता है। वहीं सपा नेता मोहम्मद आजम खान ने भी रामपुर सिटी में हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ रोड शो किया और अपनी ताकत का एहसास दिलाया। लखीमपुर खीरी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी राज्य के इंटर कॉलेज में डॉक्टर पूर्वी वर्मा के समर्थन में चुनाव जनसभा की और गठबंधन प्रत्याशी धौरहरा से अरशद सिद्दीकी उपचुनाव निघासन कयूम खान के लिए वोट मांगे और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा बाबा की सरकार को जल्दी भगाना है। लेकिन 2014 के सब वादे भूल गए, वो नहीं बात चर्चा करना चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार में पैसा लेकर के लोग भाग गए, बैंकों को घाटे में पहुंचा दिया, BSNL आज घाटे में है, बड़े बड़े लोग पॉलिसी ऐसी बनवा रहे हैं जिससे सरकारी कंपनियां घाटे में चली जाएं। वाराणसी से अगर महागठबंधन ये तो अलग बात है, आखिरी चरण का चुनाव है, उसके लिए आप इंतजार करिए, असली रोमांच और जो भी होगा उसी आखिरी चरण में होगा। कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन को? गठबंधन से घबराए हुए हैं, गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रह जाएगी। खबर गाजीपुर से है जहां कुछ दबंग युवकों ने एक लेखपाल से जमकर बदसलूकी की। दबंग युवकों ने गाजीपुर सदर तहसील परिसर में निर्वाचन का काम कर रहे लेखपाल के साथ जमकर बदसलूकी की है। दबंग युवकों ने लेखपाल के साथ अभद्रता की और जमकर गाली गलौज की। इतना ही नहीं, दबंग युवकों ने लेखपाल को मारने पीटने की भी धमकी दी।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर तहसील परिसर का है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सदर तहसील में तैनात लेखपाल चंद्रशेखर राय कार्यालय में निर्वाचन संबंधी कामकाज निपटा रहे थे कि इसी दौरान कुछ युवक पहुंचे और उन पर किसी काम को लेकर दबाव डालने लगे। लेखपाल के काम में व्यस्त होने की बात कहने पर युवक आपा खो बैठे और लेखपाल को जमकर गालियां दी। दबंग युवकों ने खुलेआम सदर तहसील में लेखपाल के साथ जमकर बदसलूकी की। मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बीच बचाव करने पर युवक चले गए। पीड़ित लेखपाल की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। ये सूचना कल शाम को मिली थी कि एक लेखपाल के साथ किसी अन्य राजस्व विवाद को लेकर कुछ लोग आए हुए थे जिनके साथ बड़ी हॉट टॉक्स हुई उसकी। उसके बाद जाते हुए उन्होंने जो सरकारी काम चुनाव संबंधी कार्य कर रहा था उसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। लेखपाल की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा लिख लिया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बुंदेलखंड की कश्मीर के नाम से विख्यात नगर में जन अधिकार पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि रोजगारों को नौकरी दिलाने, किसानों की आय को दोगुना करने में नाकाम भाजपा सरकार ने लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है। भाजपा भारतीय संविधान को बदलकर पुरानी व्यवस्था को लागू करने की फिराक में है। पूर्व मंत्री ने लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की अपील की। लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, खास करके बुंदेलखंड में आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे वो जालौन हो, चाहे हमीरपुर हो या बांदा हो या झांसी हो, हम लोगों का गठबंधन है बड़े जोर शोर से हमारे कांग्रेस है और चुनाव में जीत करके पीछे कांग्रेस पार्टी में प्रचार की काफी कमी कांग्रेस पार्टी के साथ। लखीमपुर खीरी से 29, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्रों की जांच का अंतिम दिन था। निर्दलीय प्रत्याशी जब निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तो पता चला कि करीब 11 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। इसमें सर्व समाज पार्टी के प्रत्याशी फदाली कश्यप सहित फिल्मी हीरो बकार खान ने आरोप लगाया कि उनके पर्चे जान बूझ कर भ्रष्टाचार में लिप्त RO CDO रवि रंजन ने खारिज किए तथा अन्य प्रत्याशी नवनीत शुक्ला, गुलबहार अखिलेश शुक्ला, सोनू अनिल चंद्रभान एडवोकेट आदि ने भी यही आरोप लगाए। उक्त प्रत्याशियों का कहना है कि उन पर पहले पर्चा वापसी का दबाव बनाया गया था। फिल्मी स्टार हीरो बकार खान की माने तो हीरो बकार खान तंज कसते हुए बताया कि वो एक वर्ष से नंगे पैर ही धौरहरा क्षेत्र में घूमकर जन समस्याएं सुनते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा वालों के रिक्शा जब्त करने के खिलाफ शाहजहांपुर में उन्होंने आवाज उठाई तो प्रशासन ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। वे शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी हैं। प्रत्याशी को लड़ाएंगे जिसके पर्चे पास हुए हैं और हम चाहेंगे कि जो ऐसा प्रत्याशी हमें धरोरा में मिले जो धरोरा का विकास कर सके तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। धरोरा के लिए हम ना लड़े कोई गम नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गरीब जनता ने जो आस लगाई थी हम पर, हम दूसरी पार्टी के जरिए या दूसरे नेता के जरिए हम कोशिश करें कि हम उस राह पे चलें। यहाँ पे अस्पतालों में, शिक्षा में, फैक्ट्रियाँ, रोजगार, ये गरीब जनता को मिले, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। सबका उस ओथ के ऊपर उन्होंने सबका पर्चा खारिज किया। अच्छा, इसके लिए आपने क्या और क्या प्रयास किया, किससे आपने नहीं, बहुत प्रयास किया। हम DM से मिले, हम पर्यवेक्षक से मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जंगल राज है ये, कैसा जंगल राज है? मैं इस मोदी सरकार के अंदर ये कैसा जंगल राज है कि 11-12 लोगों का पर्चा एक साथ में ओत नहीं है, इस वजह से खारिज किया गया। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सोच के परेशान हूँ कि एक इंसान अगर मेहनत करता है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो है एक कठपुतली बन गया है। अच्छा, अमीरों की, मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, ये अमीरों की कठपुतली बन गया है। ये पूंजीपति, ये महल वाले, क्या यही राजनीति कर सकते हैं? क्या यही नेता बनेंगे? क्या यही सांसद बनेंगे? क्या यही विधायक बनेंगे? हम जैसा गरीब इंसान कभी लड़ नहीं सकता। मैं मोदी जी इलेक्शन कमिश्नर हमारे दिल्ली, मैं इलेक्शन कमिश्नर हमारे लखनऊ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब आदमी कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है?
तो जी बकार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, आपका कहना है कि आपका पर्चा जो है खारिज कर दिया गया और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में नामांकन के वक्त आपके लोग साथ में थे, उसके बाद भी किसी अधिकारी के द्वारा नाइंसाफी की गई, जैसा कि आपका कहना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहेंगे, बात सुनिए, मोदी सरकार है, बात सुनिए, मोदी सरकार है, बात सुनिए, हम क्या चाह सकते हैं? हम तो बस बेबस हैं, वो मालिक है, पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो भी भाई उनके हाथ में सब कुछ है, हम जैसे लोगों क्या मजाल है, हम क्या कर सकते हैं? वो बड़े बड़े लोग हैं जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अब जनता से क्या है, जनता से हम राय लेंगे, जनता से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद जो है हम फिर आगे का सोचते हैं। नहीं, किसी को समर्थन आपकी तरफ से रहेगा या किस तरीके का आप काम करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव तो बेहद नज़दीक है। देखिए ऐसा है कि अभी जो हमारे साथ जो घटना घटी है तो उसको देखते हुए जो है आप विचार करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो कहेगी उसको सुनेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि गरीब जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही थी। हम गरीब जनता सलाह मशवरा करने के बाद जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, गठबंधन भी है और तीसरा जो विकल्प है उसके बारे में हम सोचेंगे, जहां हमारी गरीब जनता को लगेगा कि यहां सहयोग देना ठीक है, जहां मुझे लगेगा तो हम वो फैसला करेंगे और उसके हिसाब से जो है हम आगे का जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से जुझारू होकर के लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ करके जो है अपने प्रत्याशी को जो है जिताएंगे। एक झटके के अंदर हमारा कैरियर चौपट कर दिया गया। हम कैरियर की फिक्र नहीं थी, हमें तो यहाँ के गरीबों की फिक्र थी। हम चाहते थे यहाँ कंपनियां आए धरोहर में, यहाँ फैक्ट्रियां आए, लोगों को रोजगार मिले। हम निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत के जाएंगे, आने वाले समय में खिचड़ी सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जिसके अंदर हम जैसा निर्दलीय जब समर्थन देगा तो 2-4 हजार करोड़ रुपया धरोहर के विकास के लिए ले आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को। लेकिन इन्होंने तुरंत चौपट कर दिया, सारी प्लानिंग फेल कर दी सिर्फ अपनी कलम से। बताइए आप ये क्या सिस्टम है। आज 12 लोगों को आपने 11-12 लोगों का पर्चा खारिज कर दिया, ओत नहीं होने की वजह से। आप यही जब पर्चा ले रहे थे उस टाइम पे कहते कि ये आपकी ओत नहीं है, आप ओत दीजिए, आप आरओ हैं, हम रजिस्टर्ड हैं, उस पेपर पे लिखा हुआ है कि अधिकारी जो है अधिकारी ओत लेना है अधिकारी के सामने। अब बताइए आप ये सिस्टम है। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 24 के आसपास में 23-24 कैंडिडेट हो गए, एक मशीन लगेगी तो 15 कैंडिडेट उसके अंदर आएंगे, 16वां नोटा का आएगा जो मुझे जो जहां तक की जानकारी है। उसके बाद जो है ये कि दो मशीनें लगेंगी, ज्यादा लोड पड़ेगा, इसके लिए एक काम करो, एक साथ में जो है सबके पर्चे खारिज कर दो ताकि दूसरी मशीन ना लगे। दूसरी मशीन लगेगी, सरकारी जो जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, दो दो टेबल पे दो दो मशीनें लगेंगी। आप बताइए ये खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? मोदी जी आप बोलिए ये कैसी सरकार, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बताइए ये कैसा इलेक्शन कमीशन है, बताइए आप। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे माना हुआ हिंदुस्तान, जो जमहूरियत के अंदर जो सेकुलरिज्म में सबसे ऊपर है, आज हमारे यहां ऐसी धांधली, ऐसा अंधा कानून, लोकतंत्र की हत्या हो गई आज, ऐसी हत्या कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ सीरियस है बंबई में, लेकिन मैं उसको देखने तक के लिए नहीं गया ताकि मैं यहाँ पे गरीबों को जो है फैक्ट्रियां दूं, रोजगार दूं, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारूं। मैंने एक कोशिश की थी, एक साल की मेहनत उस आरओ ने एक झटके में एक कलम से हमारी खत्म कर दी। ये क्या है, किसके पास जाएं? अदालतों में जाएंगे
तो 23 मई के बाद फैसले मिलेंगे। ये लोगों ने कहा, वकीलों ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो बताइए हम किसके पास जाएं? इलेक्शन कमीशन साहब आप बताइए किसके पास जाएं, किसके पास गुहार लगाएं? हमें नोटिस जबरदस्ती थमा दिया गया, पुलिस ने जबरन जो है वहां गुंडाई दिखाई, बताइए क्या है ये? अगर आज गरीब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, वो ये सोचता है कि चलो भाई मैं पार्टी का टिकट नहीं ला सकता हूं, मेरे पास इतना स्रोत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, निर्दलीय सोचता है कि चलो भाई मैं जीत के जाऊंगा, मैं क्षेत्र के लिए कुछ करूंगा। क्षेत्र ने आस लगाई थी हम पर, बताइए आप क्या करें हम? इससे अच्छा बात सुनिए, इस हिंदुस्तान में हम जो जी रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम जैसों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या डूब के मर जाए, बताइए मोदी जी। उधर आर ओ रवि रंजन ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है, जिनके नामांकन पत्रों में जांच के बाद कमी पाई गई उन्हीं के पर्चे निरस्त किए गए। दोहरादा की समीक्षा आज के दिन निर्धारित हुई थी, समीक्षा 11 बजे से शुरू हुई और अभी तक चली है, सुचारू रूप से चली है। हमारे यहाँ 22 कुल नॉमिनेशन हुए थे, उसमें से 8 सही पाए गए हैं और बाकी रिजेक्ट हुए हैं, और उसके विभिन्न कारण हैं। जो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है, स्पीकिंग ऑर्डर सबको रिसीव कराया जा चुका है और उनको सबको पता है। एक प्रत्याशी पेड़ पर चढ़ गया था कई दिन जी, वो तो बाहर की घटना है, हम चूंकि हम लोग मिली थे तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता है। फिर भी कुछ जानकारी मिली होगी, क्या बाहर नहीं जान पाए थे, क्या बताया गया? नहीं नहीं हमें कोई जानकारी, वो आरोप लगा रहा था कि हमसे कहा गया कि पर्चा अपना वापस ले लो नहीं तो पता नहीं का, ये बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी उसको उतार लिया गया था पेड़ पे चढ़ा, वो हमें संज्ञान में नहीं, हम तो चूंकि नॉमिनेशन कक्ष में थे और समीक्षा चल रही थी। अच्छा, तो इसलिए उसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हुए हैं पर्चे उनको स्पीकिंग ऑर्डर है, उनको इतने बड़ी संख्या में पर्चे खारिज होना कोई बड़ा वो नहीं लगता है कि इतने लोगों से क्रॉस पूछा भी जाता है? वो सभी के रीजंस है, वो सभी कैंडिडेट्स को पता है, तो इसमें आप कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है।